हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों मैं लेकर आ चुका हूं आप सबके लिए बहुत ही प्यारा टॉयज, गैजेट्स और स्टेशनरी का कलेक्शन। और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीजें आज हमारे पास। एक स्कूटर वाला शार्पनर है, स्पाइडरमैन टॉय है, प्रिंसेस का पेंसिल बॉक्स है, यूनिकॉर्न का पेंसिल बॉक्स है। और ये देखिए गाइस, सैंडविच वाला हमारे पास लंच बॉक्स है। और यूनिकॉर्न का पेंसिल बॉक्स है। और भी बहुत सारी चीजें हैं और एक एक करके मैं सारी चीजें आपको डिटेल में दिखाऊंगा, इनके प्राइस भी बताऊंगा। और गाइज मेरी रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखना एंड तक, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल लोग सब्सक्राइब कर ले और ऑल के आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट टॉय से, जो है गाइज हमारे पास एक स्कूटर वाला शार्पनर। ये देखिए, ये जो स्कूटर आपको नजर आ रहा है ना गाइज, ये एक शार्पनर है काफी बढ़िया क्वालिटी का। ये देखिए, और जो हैंडल दिया गया इसको घुमाने से जो है पेंसिल शार्प हो जाती है। और ये कैसे यूज करते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें लेनी होगी पेंसिल। ये देखिए गाइस, हमारे पास एक किटी वाली एक पेंसिल, और हमें क्या करना है, इस पेंसिल को यहाँ से डालना होगा इसके अंदर। और ये हमने डाल दिया इसको गाइस अंदर इसके, और अब हमें क्या करना होगा, इस हैंडल को घुमाना होगा। ये देखिए, और हमारी जो है पेंसिल अपने आप जो है अंदर शार्प होनी शुरू हो जाएगी। और हमारी पेंसिल शार्प होनी शुरू हो गई है, ये देखिए। और हमारी पेंसिल आई थिंक शार्प हो चुकी होगी, अब हम पेंसिल को निकाल कर देखते हैं। ये देखिए गाइस, हमारी पेंसिल शार्प हो चुकी है। और वाओ क्या बात है, कितना एकदम डीपली शार्प कर दिया इसने हमारी पेंसिल को, कितना बढ़िया लग रहा है ना गाइस। ये देखिए कितनी पॉइंटी शार्प हुई है ना पेंसिल, काफी बढ़िया शार्पनर है। अब आप सोच रहे होंगे जो इसका कचरा है वो कहां गया, तो मैं आपको बता दूं उसका सारा कचरा इसी के अंदर स्टोर हो गया है। तो ये देखिए, ये रहा सारा कचरा इस ट्रे के अंदर। ये देखिए बिल्कुल सारा का सारा कचरा जो अपनी इस ट्रे के अंदर ही जो है ये स्टोर कर लेती है। तो ये शार्पनर स्कूटर वाला कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। इसका प्राइस है 180 रुपीज। तो इसको रख देते हैं साइड में और देखते हैं हमारे पास क्या है। दोस्तों इसके बाद गाइज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही प्यारी चीज, जो है स्पाइडरमैन वाला टॉय। ये देखिए, ये हमारे पास स्पाइडरमैन वाला टॉय, काफी बढ़िया टॉय है। और हमारे पास देखो 1 2 3 4 5 स्पाइडरमैन है, और ये गाइज स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चिपकते हैं। तो चलिए मैं आपको इनको यूज करके दिखाता हूँ कैसे इनके साथ खेला जाता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम जो है सारे स्पाइडरमैन को बाहर निकाल लेते हैं। और ये देखिए, ये इस तरीके से पैक किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने रेड वाले स्पाइडरमैन को सबसे पहले निकाल लेते हैं, और मैं इसको आपको यूज करके दिखाता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं, कैसे इसके साथ जो है खेला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको अपने दरवाजे पर इसको यूज करके देखेंगे। गाइज मैं सारे स्पाइडरमैन लेकर आ चुका हूँ, चलिए इनको एक एक करके चिपका देते हैं। हमें क्या करना होगा, इसको ऐसे लेना होगा और ऐसे फेंक देना होगा, और फेंकने के बाद ऐसे चिपक जाएगा। अब हम येलो वाला भी लेंगे ऐसे ही, और इन देखो दोनों चिपक कर आ गए, तो इन दोनों को ऐसे फेंक के बस चिपका देना है, और ये अपने आप जो है सरक सरक के नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने ग्रीन वाले को भी चिपका दिया है, येलो वाले को भी चिपका दिया है, और अपने रेड वाले को भी चिपका दिया है। देखो आप खुद ही उतर रहे हैं। देखो गाइस, ये देखो सबसे ऐसे ऐसे टॉय होते हैं गाइस, इसको ऊपर फिर से भेज देते हैं। ये देखिए हमने ऊपर भेज दिया है, और रेड वाले को भी ऊपर भेज देते हैं, और ये देखिए और ग्रीन वाले को भी ऊपर भेज देते हैं। और अब हम निकाल लेते हैं अपने येलो वाले को और अपने ब्लू वाले को भी। ये देखो साथ में सबको चिपका देते हैं, और ब्लू वाला भी निकाल लिया हमने। अब आप कमाल देखो गाइस इनका, और ये देखो गाइस, ये देखो कैसे ये खेल रहे हैं आपस में। ये देखो अपने आप कैसे उतर रहे हैं चिपक चिपक के। ये देखो, इसलिए इनको स्पाइडरमैन टॉय बोला जाता है। और गाइज ये काफी यूनिक टॉय होते हैं, और इनके साथ खेलने का मजा ही अलग है। ये देखो कैसे उतर रहे हैं अपने आप ही स्लोली स्लोली। ये देखो कैसे अपने आप एकदम बिजली की तरह, एकदम मकड़ी की तरह ये उतर रहे हैं। कैसे लगे टॉय कमेंट में जरूर बताना। चले इनको मैं छुड़ा लेता हूं। तो गाइज हमने सबको अंदर बंद कर दिया है, कितने बढ़िया थे ना ये स्पाइडरमैन, क्या मस्त तरीके से चिपक चिपक के जो है खेल रहे थे। तो मुझे तो बहुत मजा आया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। तो इसको भी रख देते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है डिज्नी प्रिंसेस का एक बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स, और उसके ऊपर एकदम 3D तरीके से सारी डिज्नी प्रिंसेस यहाँ पर दी गई है। और इन डिज्नी प्रिंसेस के नाम अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ लिखा है लाइव योर स्टोरी, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए, इसको यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद गाइज ये देखिए, यहाँ पे बारबी का स्केल मिलता है 15 सेंटीमीटर का, एक इरेजर मिलती है और एक पेंसिल मिलती है, और यहाँ पर और भी चीजें आप चाहे तो रख सकते हैं। और इसको कुछ इस तरीके से हम खोलेंगे बाद में, तो इसके नीचे भी आपको काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए जो है मिल जाता है। तो ये देखिए काफी बढ़िया जो पेंसिल बॉक्स है, कैसी लगी आप जरूर बताना। और इसको हमने जो है 120 रुपए में खरीदा है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यूनिकॉर्न का एक बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स। ये देखिए, ये पूरा मेटल का बना हुआ है, और यहाँ पर यूनिकॉर्न्स ए हेल्दी लाइफ लिखा हुआ है। और ये देखिए, और कुछ इस तरीके से इसको खोलेंगे तो यहाँ पर भी आपको 1 से 9 तक टेबल दिख जाती है, और यहाँ पर आप बहुत सारी पेंसिल पेन लगा सकते हैं। और इसको हटाएंगे तो इसके नीचे भी आपको काफी बड़ा स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो कैसी लगी पेंसिल बॉक्स जरूर बताना, ये 100 रुपीज की पेंसिल बॉक्स है। और इसके बाद हमारे पास आप सबके लिए बहुत सारी क्रेजी बॉल्स,
और क्रेजी बॉल्स गाइस ये बहुत ही क्रेजी होती है, काफी जंप करते हैं, दूर दूर तक चली जाती हैं ये देखिए, और ज्यादातर ये मुझसे खो ही जाती है गाइस। और देखिए हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 क्रेजी बॉल्स हैं, ये मैं आपको निकाल कर भी दिखाता हूँ, और इसको इधर से निकाल लेंगे बॉल्स को, ये देखिए ये रही हमारी क्रेजी बॉल्स, एक और है वो ये देखिए, पूरी 6 की 6 बॉल्स मैंने जो इसमें निकाल लिया है, और इनको जब जमीन पे फेंकते हैं तो बहुत ही मस्त तरीके से जो है ये बॉल्स जो है जंप करती हैं, और इनके साथ सच में गाइस खेलने का बहुत ही ज्यादा जो है मजा भी आता है। और ये बॉल्स मैंने 50 रुपए में जो है ली है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है चॉकलेट नोटबुक, और मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, आपको ये चॉकलेट नजर आ रही होगी बट ये एक नोटबुक है, मैं आपको निकाल कर भी दिखा देता हूँ। और ये देखिए गाइस ये रही हमारी वो नोटबुक, और ये देखने में बिल्कुल चॉकलेट जैसी लगती है, और ये एकदम झूठी चॉकलेट यानी कि खाई हुई चॉकलेट लगती है, बट मैं आपको बता दूं ये एक नोटबुक है, एक डायरी है, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसमें पेजेस दिए गए, और इसके अंदर से स्मेल भी चॉकलेट जैसी आती है, और देखने में भी ये चॉकलेट जैसी लगती है, और ये हमने 60 रुपए में ये डायरी जो है खरीदी है। और उसके बाद गाइस हमारे पास है कैप्टन अमेरिका का एक बहुत ही प्यारा की चेन, ये देखिए ये रहा हमारा कैप्टन अमेरिका, और ये रहा की चेन उसका, काफी बढ़िया, और आप अपने स्कूल बैग कॉलेज बैग में घर की चाबियों में गाड़ी की चाबियों में यूज कर सकते हैं। और ये देखिए गाइस हमारे पास एक लिपस्टिक वाली इरेजर, ये देखिए ये किटी इधर लिखा बना हुआ है, और कुछ इस तरीके से इसको घुमाएंगे लिपस्टिक की तरह तो हमारी इरेजर जो है बाहर आ जाती है, एकदम फ्लेक्सीबल है, इससे आप पेंसिल से लिखा हुआ जो है मिटा सकते हैं। ये देखिए फिर से बंद कर देते हैं, ये हमने 20 रुपए में ली है। और हमारे पास है इसके बाद ये देखिएगा मिक्की माउस और मिनी माउस के की चेन, ये देखिए कितने प्यारे की चेन है ना गाइज, और मिक्की माउस और मिनी माउस ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और इनका कार्टून अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर बताना है ना गाइज कितने प्यारे की चेन्स। और इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए एक बेन 10 का कैप्सूल वाला पेन है, ये देखिए इधर बेन 10 लिखा हुआ है और ये इधर बेन 10 बना हुआ है, और ये कैप्सूल है पेन वाला, इसको ऐसे खोलेंगे और ऐसे झटका मारेंगे तो हमारा पेन जो है बाहर आ जाता है, ये देखिए, और वापस से इसको इस तरीके से आप जो है बंद कर सकते हैं, बस आपको सिंपली ऐसे खोलना है, ऐसे झटका मारना पेन बाहर, और फिर इससे आप लिख सकते हैं और वापस से बंद कर सकते हैं। ये पेन हमने जो है 20 रुपीज में लिया है कैप्सूल वाला। और इसके बाद गाइज हमारे पास है एक पिंक कलर की बहुत ही सारी क्ले, ये देखिए इसके अंदर क्ले भरी हुई है, मैं आपको निकाल करके भी दिखा देता हूँ, इसके बाद खेलने में बहुत मजा आता है, ये देखिए इसको मैं फाड़ देता हूँ और सारी क्ले आपको निकाल करके जो है दिखा देता हूँ। और ये देखिए कितनी सारी एकदम बहुत ही प्यारी क्ले है, और क्ले के साथ खेलना किस किस को पसंद है कमेंट में जरूर बताना, अगर आपके पास भी क्ले है या आपने कभी खरीदी है तो भी जरूर बताना। ये देखिए ये रही वो क्ले, देखो गाइज कुछ इस तरीके साथ इसके साथ खेलने में मजा आता है, ये देखिए कितनी भी लंबी कर लो इसको, ये देखो इसको जितनी मर्जी बार आप तोड़ लो जोड़ लो, इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, ये देखिए कितनी अच्छी क्ले है ना गाइज, वाह मन तो कर रहा है वीडियो में आगे बढ़ाऊ ही ना, इसके साथ खेलता ही रहूं, कितनी प्यारी क्ले है ना, इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है गाइज, इसको भी रख देते हैं इधर। और इसके बाद गाइज हमारे पास है ये देखिए आइसक्रीम जैसी दिखने वाली इरेजर, ये देखिए गाइज 4 आइसक्रीम का सेट है हमारे पास, है चारों के चारों इरेजर है, येलो पिंक और ये गाइज एक्वा कलर है और ये पर्पल कलर है, ये देखिए कितनी बढ़िया आइसक्रीम्स है ना, और ये सारी की सारी इरेजर है गाइज, इनसे आप मिटा सकते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास है किटी वाला शार्पनर, ये देखिए गाइज ये रही किटी, और यहाँ से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं और बाद में ऐसे खोल के जो है कचरा बाहर फेंक सकते हैं। ये शार्पनर हमने 10 रुपए में खरीदा है गाइज, और मैं दिखाता हूँ क्या है हमारे पास। इसके बाद गाइज हमारे पास है आप सबके लिए, देखिए गाइज एक फ्लावर वाली पेंसिल है, ये देखिए इसके ऊपर फ्लावर दिया गया है जो कुछ इस तरीके से घूमता है गोल गोल, और ये इसकी कैप है, इसको हटा के आप ऐसे ऊपर लगा सकते हैं चाहे तो, ये देखिए। और ये देखिए इसके अनशार्पनेबल पेंसिल है गाइज, ये आपको सिंपली ये जब ये निब जो घिस जाए लीड है आपको ऐसे निकालनी है और इसको इधर से ऊपर से डालना है इस तरीके से, ये देखिए, और इधर से न्यू लीड जो है बाहर आ जाएगी अंदर चली जाएगी, तो ये कुछ इस तरीके से पेंसिल काम करती है। पेंसिल हमने जो है 20 रुपीज में खरीदी है। और इसके बाद गाइज हमारे पास आप सबके लिए मैजिक पेन, एक ग्रीन कलर का मैजिक पेन है, ये देखिए आपको इसको ऐसे निकालना है और ये बटन दबाएंगे यहाँ पर लाइट जलती है, इसको ऐसे हटाना है यहाँ से, ये देखिए हटाने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको इससे लिखना है जो मर्जी आपको इससे लिख देना है, ये देखिए हमने यहाँ 4 लाइन चला दी है। अब हम क्या करेंगे इस लाइट को इसके ऊपर लेके जाएंगे और ये देखिए गाइस आप इस लाइट की मदद से अपनी लाइनों को जो है आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको खुली आंखों से देखना चाहोगे आपको नजर नहीं आएंगी, ये देखिए
ये देखो अब आपको नजर आ रही होंगी हल्की हल्की, लेकिन आप इसको ऐसे देखेंगे नजर नहीं आएंगे, वो सिर्फ इस लाइट से ही नजर आएंगे। ये यूवी लाइट होती है, इस यूवी लाइट की हेल्प से आप देख सकते हैं। तो ये मैजिक पेन कैसा लगा जरूर बताना। ये मैजिक पेन हमने जो है 25 रुपीज में लिया है। और इसके बाद हमारे पास है ये देखिए यूनिकॉर्न का एक पेन है, ये देखिएगा पूरा का पूरा यूनिकॉर्न ये पेन नजर आता है और काफी बढ़िया लगता है ये पेन। और इसको सिंपली ऐसे खोलना है और आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए कैसा लगा आपको यूनिकॉर्न का पेन जरूर बताना। और इसके बाद हमारे पास है एक बैटमैन की अनछापनेबल पेंसिल, ये देखिए ये हमारा बैटमैन। और यहाँ पे देखिए काफी सारे कैरेक्टर्स जो है बने हुए हैं यहाँ पर, ये देखिए गाइस इसकी प्यारे प्यारे कैरेक्टर हैं। इसको ऐसे खोलना है और आप यूज कर सकते हैं। और वही इसका यूज है, लिड हटाओ यहाँ से लगाओ और न्यू लिड जो है बाहर आ जाती है। कैसी लगी पेंसिल कमेंट में जरूर बताना गाइज। तो इसको भी रख देते हैं और देखते हैं क्या है। इसके बाद गाइज अगला हमारे पास है आउल वाला शार्पनर, ये देखिए ये रहा हमारा आउल। और यहाँ से दो दो पेंसिल आप शार्प कर सकते हैं, इसके अंदर दो दो ब्लेड दिए गए हैं। और दो पेंसिल शार्प करने के बाद जो कचरा है वो इसी के अंदर स्टोर हो जाता है, वो बाद में आप कुछ इस तरीके से यहाँ से खोल के निकाल सकते हैं। देखिए दो दो ब्लेड इधर दिए गए, एक बड़ा एक छोटा, ये देखिए। और ये आउल गाइज हमने जो है 20 रुपीज में ये वाला शार्पनर खरीदा है, क्योंकि इसके अंदर दो दो ब्लेड है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है आप सबके लिए मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट, ये देखिए। ये देखिए कितना प्यारा क्यूट स्माइली वाला फ्रिज मैग्नेट है, इसको आप अपने फ्रिज पर चिपका सकते हैं। मैं आपको चिपका के भी दिखाता हूँ, मेरे पास दो और है, मैं तीनों के तीनों आपको दिखा देता हूँ। ये रहे गाइस हमारे बाकी के दो फ्रिज मैग्नेट, और ये वाला ये रहा जो मैंने आपको अभी दिखाया था। सिंपली आपको ऐसे लेना है, ऐसे सॉरी गाइस ये मुझसे गिर गया है, आपको सिंपली इसको ऐसे लेना है और ऐसे चिपका देना है। ये देखिए गाइस, और हमारे पास ये देखिए एक और दो और ये तीन फ्रिज मैग्नेट है, और तीनों का बहुत ही आराम से चिपका सकते हैं और बहुत आराम से चिपक जाते हैं। मेरे हाथ से वो छूट गया था इसलिए गिर गया था। ये देखिए कैसे लगे आपको फ्रिज मैग्नेट जरूर बताना गाइस कमेंट में, और देखते हैं क्या टॉयज है हमारे पास। और ये वाला फ्रिज मैग्नेट गाइस हमने 30 रुपीज में लिया है सिंगल। और इसके बाद गाइज ये देखिए हमारे पास है एक ब्रेसलेट है, ये देखिए यूनिकॉर्न वाला ब्रेसलेट, ये गर्ल्स को बहुत पसंद आएगा, काफी प्यारा ब्रेसलेट है। ये देखिए ये हमने 40 रुपए में लिया है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ये गर्ल्स को बहुत ही प्यारा लगता है। और इसके बाद गाइज हमारे पास है यूनिकॉर्न का एक बहुत ही प्यारा पेंसिल बॉक्स, और ये छोटा मोटा नहीं कैलकुलेटर वाला पेंसिल बॉक्स है, और इसके ऊपर एक 3D स्टिकर दिया गया है। देखिए ऐसे हिलाएंगे तो इमेज चेंज होती है। ये देखिए इधर बहुत प्यारा यूनिकॉर्न बना हुआ है, इधर यूनिकॉर्न लिखा हुआ है, और ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से एक शार्पनर करने के लिए, पेंसिल को शार्प करने के लिए होल ओपन हो जाते हैं, और जो कचरा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, यहाँ से खोल के आप बाद में निकाल सकते हैं। ये देखिए इधर दो दो ब्लेड दिए गए हैं, और इसको आप ऐसे खोलेंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेटर दिया गया है और पेंसिल वगैरह रखने का स्पेस दिया गया है, और ये कैलकुलेटर काम भी करता है। ये देखिए सारे बटन जो है इसके काम करते हैं। ये देखिए, और आप चाहे तो कैलकुलेटर को ऊपर और इस स्टिकर को नीचे भी कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप खोलेंगे तो यहाँ पर भी आप बहुत सारा स्पेस है मिल जाता है, यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीजें अपनी रख सकते हैं। और ये 100 रुपीज का जो है कैलकुलेटर वाला पेंसिल बॉक्स है। और इसके बाद हमारे पास है कॉम्ब वाला पेन, ये देखिएगा ये कंघी वाला पेन है, और ये अपने बालों में आप इससे चाहे तो कंघी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप ऐसे खोल के जो है पेन को यूज कर सकते हैं। देखिए गाइज ये पेन चलता भी है, ये कैसा लगा पेन यूनिक पेन कमेंट में जरूर बताना। और ये हमने 40 रुपए में पेन खरीदा है। और उसके बाद गाइज हमारे पास है यूनिकॉर्न की एक बहुत ही प्यारी वॉच, ये देखिएगा इधर भी यूनिकॉर्न है, इधर भी यूनिकॉर्न है, और इधर भी यूनिकॉर्न दिया गया है, और इसको आप ऐसे खोल के टाइम देख सकते हैं। ये रहा टाइम, और ये दो बटन है टाइम ठीक करने के लिए टाइम खराब हो जाए तो, और ये वाला बटन है लाइट और म्यूजिक के लिए। तो ये बटन दबाएंगे, ये देखिएगा यहाँ पर बहुत ही प्यारी लाइट और म्यूजिक आने लगता है। ये देखिए, और आप चाहे तो लाइट बंद करके, कवर बंद करके भी लाइट्स को एंजॉय कर सकते हैं और म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए काफी सारी कलरफुल और प्यारी लाइट और म्यूजिक इसके अंदर से देखने के लिए मिलता है। ये वाली वॉच जो हमने 150 रुपए में जो है ली है, काफी बढ़िया वॉच है गाइस, ये गर्ल्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद गाइस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक यूनिकॉर्न का ब्रेसलेट, एक बैंड भी बोल सकते हो आप। ये देखिए इधर कितना प्यारा यूनिकॉर्न बना हुआ है, और इसको आपको सिंपली ऐसे खोलना है, और ये देखिए गाइस अब आपको इसको पहनना कैसे है, आपको सिंपली अपने हाथ पर ऐसे ले आके इसको ऐसे करना है, और ये देखिए गाइस आप अपने हाथ में इसको पहन पाएंगे। ये देखिए कितना प्यारा ब्रेसलेट है ना गाइस, ये हमने 20 रुपीज में लिया है। ये देखिए गाइस आप इसको ऐसे करके रख सकते हैं, और ऐसे मारेंगे तो अपने आप ये मुड़ जाता है। ये देखिए है ना गाइस कितना प्यारा ब्रेसलेट। और इसके बाद गाइस हमारे पास ये देखिए एक डायनासोर वाला शार्पनर है, ये देखिए मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ कैसा शार्पनर है। ये देखिए ये रहा वो शार्पनर, इधर से आप पेंसिल डाल के शार्प कर सकते हैं। ये देखिए, और इस ये है इरेजर, इससे आप मिटा भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा इससे आप ना मिटाएं, सिर्फ शार्पनर का यूज करें। और ये हमने 30 रुपीज में खरीदा है, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतर है गाइस।
काफी प्यारा ये टॉय है। और इसके बाद गाइज हमारे पास आप सबके लिए एक सैंडविच वाला टिफिन बॉक्स, लंच बॉक्स, ये देखिए गाइज एकदम रियल सैंडविच जैसा ये नजर आता है, कितना बड़ा है ना। तो इसको सिंपली ऐसे खोलना है, ये देखिए इसके अंदर काफी बड़े बड़े स्पेस दिए जाते हैं, ये देखिए इस तरीके से खोलना होता है। इधर से आप खोलेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा रखने के लिए खाना वाना, और इसके बाद यहाँ से आप खोलेंगे तो इसके नीचे आपको चम्मच और एक और स्पेस मिल जाता है रोटी वगैरह सब्जी अचार वगैरह रखने के लिए, और यहाँ से आप खोलेंगे तो इसके नीचे भी आपको काफी ज्यादा बड़ा स्पेस जो है खाना वगैरह रखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर ये देखिए 3 स्पेसेस मिल जाते हैं, 1 ये ग्रीन वाला, 2 और ये बड़ा वाला 3। तो कैसा लगा जरूर बताना। और ये हमने 120 रुपए में ये लंच बॉक्स खरीदा है, और गाइज मैंने इसको बंद कर दिया है तो इसको रख देते हैं। और इसके बाद गाइज हमारे पास आप सबके लिए ये देखिए बहुत ही प्यारा लाइट वाला स्पिनर, ये देखिए गाइज ये बहुत ही सस्ते में 30 रुपए में मैंने लिया है, और ये मैंने 2 खरीदे थे, सॉरी 50 रुपए के 2 लिए थे, वैसे सिंगल 30 रुपए का वो अंकल मुझे दे रहे थे। तो ये देखिए गाइज ये इसका लॉन्चर है और ये रहा इसका स्पिनर। तो इसको ऐसे घुमाएंगे तो घुमाने से इसके अंदर जो है लाइट जलने लगती है, देखिए लाइट जल गई है। अब हमें क्या करना है, इसको लॉन्चर पे इसको इस तरीके से लगा लेना है, ये देखिए, और इसको लगा लेने के बाद में ये देखिए ऐसे घुमाएंगे हम लॉन्चर को, और घुमाने के बाद में मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ये हम बटन दबाएंगे ऐसे पकड़ के तो ये घूमने लगेगा और बहुत ही प्यारा लगेगा, मैं आपको इसको घुमा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइस इसको हम यहाँ पर लेकर आ गए, हम इसको घुमाते हैं, ये देखिए क्या बात है, कितनी जबरदस्त इसके अंदर लाइट जल रही है, एकदम रेनबो की तरह इसके अंदर लाइट जो है नजर आ रही है। ये देखिए कितना प्यारा स्पिनर है ना गाइस, 25 रुपए में काफी ज्यादा बढ़िया है और वैल्यू फॉर मनी है ये। और रात को तो ये इतना प्यारा लगता है ना गाइस, एकदम रेनबो की तरह ये नजर आता है, रात को इसको घुमाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। चलिए इसको उठा लेते हैं। ये स्पिनर कैसा लगा जरूर बताना। इसकी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं गाइस, ये देखिए लाइट्स ऑफ हो चुकी हैं, और इसको रख देते हैं। और इसके बाद गाइस हमारे पास है आप सबके लिए इरेजर का सेट, बहुत ही प्यारा, ये देखिए गाइस ये पुलिस वाला इरेजर का सेट है। ऐसे इसको खोलेंगे और खोलने के बाद ऐसे ओपन करेंगे तो ये देखिए गाइस हमारा पुलिस मैन वाला इरेजर ये रहा, और ये पुलिस का बैज है। और इसके बाद गाइस ये पुलिस की कार है हमारे पास, और ये देखिए पुलिस की गन वाली इरेजर भी यहाँ पर हमें मिल जाती है। काफी बढ़िया इरेजर का सेट है गाइस ये। ये कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ये हमने 40 रुपए में जो है इरेजर का सेट जो है खरीदा है, जो कि इस तरीके के प्लास्टिक एयर टाइट कंटेनर के अंदर ये आता है। और इसके बाद गाइस हमारे पास है एक एस्ट्रोनॉट वाला शार्पनर, ये देखिए ये रहा वो एस्ट्रोनॉट। इसकी कैप के अंदर 2-2 इरेजर हमें यहाँ पर मिल जाती है, बहुत ही प्यारी फ्रॉग वाली और एक टेडी बियर वाली। ऐसे इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से जो आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं, और बाद में कुछ इस तरीके से खोल के जो है कचरा आप बाद में बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। और इसके बाद गाइस ये देखिए हमारे पास एक हल्क वाला ग्रीन स्लाइम, और हल्क जो है ग्रीन कलर का होता है, देखिए एवेंजर क्रिस्टल मड यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप इसको मड भी बोल सकते हैं। ये देखिएगा इसको ऐसे खोलेंगे और इसके अंदर से निकालते हैं अपनी क्रिस्टल मड, ये देखिएगा ये रही हमारी क्रिस्टल मड, कितनी सारी है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार नजर आ रहा है, काफी बढ़िया लग रही है गाइज, ये देखिए है ना गाइज कितनी जबरदस्त। और इसके अंदर जो है हमें एक क्या कहते हैं कैप्टन अमेरिका का शील्ड वाला रबड़ भी मिल जाता है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो इसको वापस से रख देते हैं, और ये जो बोतल है हमने 30 रुपीज में ये बोतल खरीदी है गाइस। और इसके बाद गाइस हमारे पास है ये देखिए स्पेस वाला एक पाउच है मिनी, और यहाँ स्पेस हाई लिखा हुआ है, और ये देखिए इस पाउच के अंदर अपना बहुत सारा सामान आप जो है छोटा मोटा होता है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। ये देखिएगा इस कुछ इस तरीके से इसको ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये कैसा लगा जरूर बताना। और ये पाउच हमने 40 रुपए में लिया है। और लास्ट में गाइस हमारे पास है आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया सुपर डाई कास्ट लॉन्चर प्राइम, इधर लिखा रेस लॉन्चर है गाइस, ये देखिए इसके अंदर 1, 2, 3, 4 कार हमें मिलती है और एक लॉन्चर मिलता है। तो इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग हम कर लेते हैं। ये देखिए गाइस कहां से अनबॉक्स होगा, आई थिंक इधर से अनबॉक्स होगा ये, तो इसको अनबॉक्स करके बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए गाइस और इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर गाइस हमें मिलती है ये एक लॉन्चर मिलता है, 4 कार मिलती है, और ये एक और चीज मिली है इसके साथ, तो मैं आपको सारी चीजें एक बार बाहर ले जाकर के यूज करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए गाइस बाहर लेकर आ गए हैं, तो ये रही हमारी कार एक, और ये ब्लू वाली है, ये ग्रीन वाली है, और एक ये मरून कलर की है शायद, और देखते हैं इसके बाद एक ग्रीन कलर की और है। ये दोनों एकदम सेम है, ये दोनों कलर कार, और एक लॉन्चर है हमारे पास, ये देखिए ये रहा लॉन्चर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है लॉन्चर देखने में। और इसके साथ गाइस एक ये मिला है, इसका क्या यूज़ है मुझे नहीं पता है, फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद गाइस ये 2 एक वो मिले हैं जो रोड के साइड में हम लगाते हैं, इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, और इसका बाद में यूज़ करेंगे, फिलहाल मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ।
इसको कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपनी कार को ऐसे लेना है और इसके अंदर ऐसे लगाना है और इसको अंदर की तरफ पुश करना है। ये देखिएगा, अंदर पुश करते ही एकदम ये तैयार है। आपको ये बटन दबाना है और ये बटन आप जैसे दबाएंगे कार निकल के भागेगी। ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, कार कहाँ चली गई। हम दूसरी वाली लगा देते हैं, ये देखिए ब्लू वाली, और इसको अंदर लगाएंगे ऐसे और ये अंदर सेट हो गई है। अब हम इसके बटन को दबाएंगे, ये देखिए गाइस, ये देखिए गाइस कार कैसे निकल के गई। यहाँ पर फर्श थोड़ा खराब है इसलिए ज्यादा स्पीड में जो है नहीं चल रही है। तो ये कार लॉन्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये बहुत बढ़िया लगा, ज़्यादा डिटेल में आपको इसको नहीं दिखा पाया लेकिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगा किसी दिन। और ये देखिए सारे टॉयज सारे गैजेट मैंने आपको दिखा दिया। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप पर, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। बाय बाय।